नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरपंच के सहने में। तो दोस्तों, आज का रिंग बोल हमें राघोगढ़ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, ग्राम अचकलपुर। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम अचकलपुर पहुंचने वाले हैं। लोकेशन उन लोगों ने भेजा दी थी, अभी हम पहुंचने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहिए। अच्छा, ये है रेड स्नेक धामन। वो जब तक गिरा मन में इधर मजा तो मज रहा है। मशीन जमा नहीं, मशीन जमा रहा है। हम यूं करके बता रहे थे, जाम बेल तो नहीं है। नहीं, भाग गया वो, तो ऊपर चढ़ के नहीं। अरे वो सखी नहीं कर रहा, वो सबको कर देगा। होगा हां, पीछे वाला भाई, पीछे जो साइड, जो साइड आओ। देखो वो मत करो, भेद में देख ले। वो तो मैं सफाई करने देता हूं बेटा, देख सा। हां जो है, जो दामन सांप है रेड स्नेक, मतलब रेड स्नेक। और वो बहुत बड़ा हो यार रेड स्नेक। हां रेड है, वो लंबा वाला जबरदस्त ही है। हां हाइट इसकी कितनी बड़ी रहती है, और भी बड़ी हो जाती है। बहुत बहुत बड़ी है, नीचे नब रहा वो थोड़ी मालो हो रहा है। देखियो तो ये देख लो, आज देख लो बढ़िया रे। खा तो बैठे बने हुए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये एक इंडियन रेड स्नेक है दामन सांप, और रहेंगे देख सकते हैं दोस्तों, काफी बिग साइज का है। एक ड्रम मंगवा लो, ड्रम एक कट्टा वगैरह हो, बोरी वगैरह कट्टा वगैरह। अरे ड्रम लियाओ, एक ढक्कन वार। अभी हम इसको बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। तो गाड़ा हो कभी ड्रम में, कभी देखो क्या। अच्छा रहते हैं यहाँ पे गाय, मवेशी बनती है। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे इनके मवेशी बनते हैं, और अब हम इसको बाहर की तरफ निकालेंगे। तो कितना पड़ा तो कोने में होती बड़ी जड़ में लकड़ी जम। अरे यही बाहर बैठा रहे, कछु खराब हो गई सब। पकड़े हो गया, बता रहा है नदी पे फड़फड़ा यार दिया नहीं बकरी के। अरे मत मत भागो मत। अब एक बैग लिया कट्टा वगैरह, ये कट्टा कैसा है? हाँ यही ले लो, दवाई को रहो लो। अच्छा नहीं, दवाई वाला नहीं, बिना दवाई। नहीं नहीं नहीं, ये नॉन वेनमस होता है भैया, और क्या, ये जहरीला नहीं होता, लेकिन इसके काटने पर होता कुछ नहीं है। अरे हाँ आज नहीं। अरे नहीं 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 पड़ता भाई, नहीं यही तो एक अंधविश्वास है। के डर के मारे मर जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट है, हार्ट फेल हो जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डराना नहीं चाहिए, सांप जब खा लेता है। मेंढक आई है मेरे सामने, मेंढक खा रहा था उसने, भाग गया होता। इसका मनपसंद भोजन चूहा है, इसीलिए इसको रेड स्नेक बोलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये एक काफी बड़ा साइज का दामन सांप है रेड स्नेक, और इसको हम घोड़ा पछाड़ और हमारे किसान मित्र भी बोलते हैं इस सांप को। अच्छा। ये क्या है कि चूहा खाता है, अपनी फसलों की रक्षा करता है, फसल बेकार होती है, इसलिए इसको किसान मित्र भी कहते हैं। तो इसके बारे में काफी अंधविश्वास फैला रखा है,
कोई तो बोलते हैं कि ये सांप गाय भैंस का दूध पी जाता है। अच्छा हाँ जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सांप दूध नहीं पीते। सांप कोई सा ही सांप हो दूध नहीं पीता, इसके अंदर पचानी से क्षमता नहीं होती, इसके अंदर लीवर नहीं होता। नहीं नहीं वो तो सब वो क्या की वो तो दोस्तों देख सकते हैं कि नहीं वो दवाई का नहीं, उल्टो कर दो नहीं भागा भाई साहब, कट्टा घर के बैंक में ले लो पैसा हिल रहा है कि नहीं। नोट ही नोट वो काउंटर पर ले जाकर भाई साहब जमा कर दो और छोड़ के और लग रहा लूट पे कहीं कहीं काले काला कलर है इसका, कहीं कहीं पीला कलर दिखता है। हाँ ये काला ही है, समय के हिसाब से कलर बदल देता है मौसम के हिसाब से। ये है कि नहीं, अभी एक रेड स्नेक पकड़ा था वो सब नहीं पीला था। अरे यार बहुत दिन को होगा, गर्मी में दो तीन बार यहाँ देख गए। चल पे करते हैं भैया, ये कट्टा उठाना जरा, कट्टा का ये बोल। तो दोस्तों अब हम इसको पैक करते हैं और इसको सुरक्षित इसके वातावरण में रिलीज करेंगे ताकि ये वहाँ सुरक्षित रहे जंगल। और दोस्तों ऐसा सांप अगर आपको दिखे तो उसको मारे ना, क्योंकि हमारे पर्यावरण का हिस्सा होते हैं ये सांप। और ये सांप किसान मित्र भी है दोस्तों, देख सकते हैं जी कितना भारी भरकम सांप है, और इनकी हाइट लगभग 11 फीट के लगभग हो जाती है, तो ये 8-7 फुट के आसपास तो होगी। हाँ, और ऐसा सांप अगर आपको देखे तो उसको मारे ना, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण का हिस्सा होते हैं। और ये बिना जहरीला भी होता है, जहरीला नहीं है, कम जहरीला नहीं, वो काय की जाएगी हाइट देख के डर जाता है आदमी, है कि इसका इसकी बनावट देख के डर जाता है। और हम इसको पैक करते हैं। और दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल सर पे मित्र डी के सैनी को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे नंबर घूम जाइए भैया, बहुत नहीं पकड़ भी ले खाने जो काटा है, काटता जरूर है लेकिन काटेगा लेकिन जहर नहीं चढ़ा हुआ, काटता तो बहुत तेजी से है। और जो हमारे भारत का सबसे फुर्तीला सांप है भगने के मामले में, फुर्तीला है ही, देखना इतना मसाल होने के बाद भी साल में पड़ी रहती है। आज सोते धीरे माइक आदमी जहर से मरे का घबरा के जहर से, बस घबरा के सब कभी जहर से मैं एक मरे जहर मारो ये तो जही रे मैं ना किंग कोबरा का लग रहा है और भैया लो भैया आप आगे नंबर रिकॉर्डिंग बना यार, पति भाई बन रही है, चल रही है, कितनी पूर्ति है की यार तो दोस्तों अब हमने इसको पैक कर लिया है और इसको सुरक्षित इसके वातावरण में रिलीज करेंगे ताकि ये वहाँ सुरक्षित रहे। देख सकते हैं काफी बाहर लाने की कोशिश कर रहा है, अरे यार ये बिल्कुल कोबरा सांप की तरह पुचकार मार रहा है, डरा रहा है कोबरा सांप की तरह पुचकार मार के, है कि नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो देखकर आप गलती ना करें क्योंकि ये एक्सपर्ट का काम होता है। और नहीं है
वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल सरपमित्र डी के सैनी को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी बेजुबान की जान बचाते हुए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय माता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरपमित्र डी के सैनी में। तो दोस्तों, एक सांप जो रेड स्नेक धामन सांप काफ़ी बड़ा साइज़ का सांप है दोस्तों, उसको हम जिला गुना राघोगढ़ के बगल में गांव है अचकलपुर, वो वहाँ से रेस्क्यू करके लाए थे। तो दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ जंगल में आ चुके हैं और बारिश भी हो रही है, तो हम इसको फटाफट इसको रिलीज करते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो बने रहिए। इसको रिलीज करते हैं, काफ़ी बिग साइज़ का सांप है, बड़ा सांप। और दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इस सांप को काटने पर तांत्रिक लाखों रुपये लूट लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा अगर सांप किसी को काटे तो आप बिल्कुल भी तांत्रिक के पास ना जाएं, झाड़ फूक के चक्कर में ना रहें, क्योंकि ये बिना जहरीला सांप होता है। मात्र हॉस्पिटल जाकर टेटिनिस का इंजेक्शन, टीटी का इंजेक्शन लगवाएँ और स्वस्थ हो जाएंगे। और घबराएं कभी भी ना, क्योंकि तो अगर सांप काटता है तो हम घबराते हैं, तो उससे क्या है कि ब्लड प्रेशर हाई होता है, इससे इंसान की मौत हो सकती है। तो दोस्तों इसलिए कोई भी सांप काटे तो सबसे पहले घबराएं ना और तुरंत हॉस्पिटल जाएं। तो हम इसको यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी बड़ा सांप है। देख सकते हैं दोस्तों इस सांप के काटने पर लाखों रुपए लूट लेते हैं तांत्रिक लोग। तो ऐसा ना करें दोस्तों, तांत्रिक के पास ना जाते हुए आप झाड़ फूक के चक्कर में ना रहें, क्योंकि अगर कोबरा सांप या कोई जहरीला सांप काटता है तो आप जिला हॉस्पिटल जाएं, जिला सदर हॉस्पिटल। और ऐसा अगर नॉन वेनमस सांप काटता है तो आप हॉस्पिटल जाकर टीटीनेस का इंजेक्शन लगवाएँ, टीटी का इंजेक्शन लगवाएँ। तो अब हम इसको यहीं पर रिलीज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों इसके पर्यावरण में। जी जा चुका है दोस्तों इसके पर्यावरण में। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के पास ये जानकारी पहुंचे। और दोस्तों हमारे बेल आइकन को जरूर दो बार दबाएं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय माता दी।